एडवांस आता है। ओके चलिए इसमें रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, जिससे अगर कोई इसे देखना चाहेगा तो यूट्यूब पर भी देख सकता है। ओके यहाँ पर आप लोग आ गए हैं, हेलो कैसे हैं, हम एकदम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं। तो जो लोग करंट अफेयर की क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो लोग शाम को 5 बजे यूट्यूब पर लाइव रहा करिए। करंट अफेयर की क्लासेस भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो आपके आंसर राइटिंग को भी एनहांस करेंगी और आपका जो अप्रोच है वो भी बिल्ड करते हैं। ओके तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। एक बार मैसेज करके बताइए कि हम लोग कहाँ तक कल देख चुके हैं, फिर उसके आगे से हम लोगों को पढ़ाया जाए। शायद आपके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में शायद पढ़ा रहे थे, तो वहां से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको एक बार देखते हैं, क्योंकि लास्ट में जाते जाते कंप्यूटर है वो थोड़ा सा हैंग कर गया था। ओके तो फिर से यहाँ से आपको समझा देते हैं, आपको यहाँ से बहुत अच्छे से नोट करना है। ओके चलिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, तरंगों के बारे में थोड़ा सा हम आपको पढ़ा रहे थे। ओके फिर आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी के कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज को देखिए। और जब भी आप लोग क्लास ज्वाइन करिए उससे पहले 10 से 15 मिनट जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लिया करिए। जैसे अभी ज्योग्राफी आपकी क्लासेस चल रही है, तो ज्योग्राफी में जो भी हमने आपको कल परसों पढ़ाया है उसको आप लोग एक रफली वे में एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा कल की क्लास को और आज की क्लास को आप लोग कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। क्योंकि क्लासेस होती हैं थोड़ी लंबी क्लासेस होती हैं, तो एक टॉपिक होता है वो हो सकता है एक दिन में कंप्लीट ना हो, उसको कंप्लीट होने में 2-2 दिन लग जाता है। तो आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो कनेक्टिविटी बना पाएंगे, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए इस तरह से आपको बहुत सारी जो आपको देखने को मिलेंगी किरणें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए आपको देखने को मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, जिसका नाम है कॉस्मिक रेस। आप लोग वो पढ़ाई थे कल, ओके कॉस्मिक रेस के बारे में हम आपको कल पढ़ाए थे। फिर कॉस्मिक रेस के बाद आपको देखने को मिलेगा गामा रेस, ओके एक देखने को मिलेगा गामा रेस, और गामा रेस के बाद में आपको देखने को मिलेगा एक्स रेस, जिससे आप लोग जाते हैं एक्स वगैरह करके आते हैं। सोचिए एक्स रेस है उसकी प्रतिवेदन क्षमता कितनी ज्यादा होती है, वो आपके अंदर से गुजरती है और सिर्फ हड्डियों हड्डियों को फोटो रहने देती है और आपके अंदर का फोटो ले लेती है। आप बल्कि कपड़े पहने हुए होते हैं, फिर कपड़े के बाद आपके ऊपर की जो त्वचा होती है स्किन होती है, फिर उसके बाद मांसपेशियां होती हैं, फिर उसके बाद हड्डी पाई जाती है, मतलब उसका भी वो एक्सरे ले लेती है। यानी कि एक्स रेस की प्रतिभेदन क्षमता कितनी ज्यादा होती है, तो सोचिए एक्स रेस से भी ज्यादा कॉस्मिक रेस और गामा रेस ज्यादा हानिकारक होती है। तो एक्स रेस कहां पर आती है, यहां पर देखने को मिलेगी एक्स रेस आपको। ओके एक्स रेस के बाद आती है यूवी रेस, ओके यूवी रेस आपको देखने को मिलेगी। यूवी रेस के बाद विजुअल रेस आती है, विजुअल रेस होती है वो थोड़ी कम खतरनाक होती है बेचारी। ओके चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा विजिबल रेस। ओके विजिबल रेस के बाद में आपको इंटरप्रेट वेव देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत कम खतरनाक देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आती है माइक्रोवेव, फिर आती है रेडियो वेव, फिर आती है माइक्रोवेव आती है, फिर आपको देखने को मिलेगा रेडियो वेव। ओके तो ये आपको देखने को मिलेगा। हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे हम कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव की इधर जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इनके बीच की जो वेव लेंथ होती है, मतलब तरंग दैर्ध्य होती है, वो क्या होने लगती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने लगती है। ओके और प्रतिवेदन क्षमता क्या होने लगती है, प्रतिवेदन क्षमता कम होने लगती है। तो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, जैसे इधर क्या होगा एकदम ऐसे पास पास में होगा, जैसे जैसे आप इधर थोड़ा सा जाएंगे इस तरह से तो क्या होता है थोड़ा इस तरह से ये दूर होने लगेगा। ओके तो इसीलिए रेडियो वेव कम खतरनाक होती है, हम दूर संचार के रूप में इसी का उपयोग कर लेते हैं, माइक्रोवेव का भी उपयोग कर लेते हैं। अब इंटरप्लेनेट रेस और यूवी रेस की भी बात की जा रही है कि हम कैसे, सॉरी विजुअल रेस की बात की जा रही है कि इसको भी हम कम्युनिकेशन सेक्टर में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इससे हम तीव्र इंटरनेट ले सकते हैं, लेकिन शरीर के लिए और पेड़ पौधों के लिए भी थोड़ी ज्यादा हानिकारक आपको देखने को मिलेगी। ओके यूवी रेस से आपने देखा होगा कि जल, जो आपने देखा होगा जल होता है उसको भी फिल्टर किया जाता है यूवी रेस के माध्यम से, यानी कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं वो यूवी रेस से नष्ट हो जाती हैं। ओके तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो तरंग दैर्ध्य है वो तो बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे जैसे हम इधर की ले जाएंगे प्रतिभेदन क्षमता इनकी कम होगी, प्रतिभेदन इनकी क्षमता है वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं किस तरह से, और ये भी हम आपको बताए थे विजुअल रेस से इधर वाली जो चीजें हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। इधर की जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी इधर, इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघु तरंग विकिरण बोलते हैं। ओके, और इधर की जो आपको देखने को मिलेंगी वेव, ओके, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। देखिए जब भी कभी मैटर है वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तब जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस रूप में निकलेगी, वो निकलेगी शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकलेगी। तो हमारे सूरज के अंदर से भी जो एनर्जी निकलती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सूरज है वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और हमारी पृथ्वी जब उसे ले लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो वो किस रूप में उस एनर्जी को छोड़ती है, उसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या है, मानते हैं प्यारा सन है, सूर्य देवता है, ये क्या है, सन है, और आप लोग जानते हैं कि सन के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो देखिए दो हाइड्रोजन यहाँ पर आपस में, इनमें फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं। ये प्रक्रिया के माध्यम से हीलियम बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। जब देखिए ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा एक मैटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एक मैटर है। ओके, क्या है, एक मैटर है। ओके, अब देखिए जब भी कभी मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो अब हम आपको अभी बता चुके हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही हमेशा निकलेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर हीलियम बनेगा और प्लस क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा। ओके, अब देखिए ये जो एनर्जी होगी ये किस रूप में होगी, ये हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होगी। ओके, अब देखिए यही हीलियम आपको देखने को मिलेगा। कभी आपने सूरज को ध्यान से देखा होगा तो सूरज के ऊपर ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं, तो ब्लैक स्पॉट पाए जाने का कारण क्या है, यही हीलियम है। इस सूर्य सूर्य की सतह पर समय के साथ जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संलयन होता रहता है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, तो सूरज की सतह के ऊपर ये हीलियम जम जाता है, यही धब्बे के रूप में दिखता है, जहां पर थोड़ा धुंधला धुंधला या फिर काला काला वहां पर आपको सूर्य देवता दिखने लगते हैं। ओके, तो क्या होता है, वो हीलियम ही होता है जो चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर जो मैटर है इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ओके, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है ये होती है। ओके, अब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, इसी के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए जब ये एनर्जी है, ये एनर्जी है जब ये आती है किसी पदार्थ में, मानते हैं एक क्या मान लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है भाई, डिब्बा मान लेते हैं या फिर आप लोहा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ओके, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, इसको पृथ्वी मान लेते हैं, अर्थ मान लेते हैं। ओके, इस अर्थ में अब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में मानते हैं 100 यूनिट सूरज से आई एनर्जी। ओके, कितनी है एनर्जी आई, मानते हैं यहां पर 100 यूनिट, कितनी 100 यूनिट एनर्जी आई, 100 यूनिट एनर्जी आई किस रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आई, और शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आई। लेकिन हमारी पृथ्वी है वो बड़ी ईमानदार है, वो कहती है हमको पूरा का पूरा नहीं चाहिए, हमारी पृथ्वी है वो लालची नहीं है, वो कहती है जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हम रख लेते हैं और हम थोड़ी लौट डाल देते हैं। जैसे आपको क्या है, कोई अभी 10,000 रुपए देगा दक्षिणा के रूप में, आप 10 के 10,000 रख लोगे, नहीं,
आप पृथ्वी की तरह नहीं हो, आप लालची हो। बोले कि 10 के 10 हजार और थोड़े दे दो। तो बोले कि और थोड़े दे दो। बोले कि कम में हमारे काम नहीं चलता। तो हमारी पृथ्वी कहती है नहीं, हमें पूरा नहीं चाहिए भाई, 100 यूनिट की हमको जरूरत नहीं। इसमें से कुछ वो लौटाल देती है, वो 35 यूनिट लौटाल देती है। क्या कर देती है? 35 यूनिट, 35 यूनिट लौटाल देती है, वो भी सीधे। किस रूप में? इस शॉर्ट वेव रेडिएशन के ही रूप में लौटाल देती है। वो इसको छूती भी नहीं है, अपने पास भी नहीं लेकर के आती है। यानी कि ये 35 यूनिट, इस 100 यूनिट में से 35 यूनिट डायरेक्ट वो लौटाल देती है। किस रूप में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही लौटाल देती है। और बची हुई 65 यूनिट है वो अपने पास रख लेती है। कितनी यूनिट? 65 यूनिट है भाई, वो अपने पास रख लेती है। और इसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है पृथ्वी इस 65 यूनिट के लिए। अब इस 65 यूनिट को पृथ्वी कहती है नहीं भाई, हम इसको ज्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। वो हल्की हल्की खर्च भी तो करेगी इसको। तो जब वो इस एनर्जी को निकालती है तो किस रूप में निकालती है? तब वो निकालेगी पृथ्वी मान लीजिए, या फिर कोई पदार्थ मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए। जब भी कोई पदार्थ है वो एनर्जी को लेता है डायरेक्ट, तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में लेता है। लेकिन जब वो छोड़ेगा तो किस रूप में छोड़ेगा? हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो हमेशा छोड़ेगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में इसको छोड़ेगा। अब देखिए, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में छोड़ेगा मतलब इसके द्वारा, विकिरण के द्वारा जो एनर्जी छोड़ी जाएगी वो ज्यादा घातक होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसकी वेव लेंथ क्या है? ज्यादा है। वेव लेंथ ज्यादा है यानी कि उसकी प्रतिवेदन क्षमता कम है, यानी कि इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। इससे जो एनर्जी निकल रही है वो खतरनाक नहीं होगी। यानी कि वो इस 65 यूनिट को फिर हल्के हल्के निकाल देगा। किस रूप में? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में निकाल देगा। इसी को बोलते हैं दीर्घ तरंग विकिरण, दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। ओके, दीर्घ तरंग विकिरण बोलते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी, ध्यान सुनिएगा, जितनी एनर्जी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में कोई पदार्थ है वो रिलीज करता है, छोड़ता है, ओके, तो उसी के लिए बोलते हैं पार्थिव विकिरण। आप लोगों ने सुना होगा पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया, तो इसी को क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ओके, तो आप लोग समझिए पार्थिव विकिरण क्या है। पार्थिव विकिरण वह प्रक्रिया है जब कोई पदार्थ है वो एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद जब पुनः उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में छोड़ता है, तब उसी प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। समझ गए आप लोग पार्थिव विकिरण किसे बोलते हैं? तो एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पार्थिव विकिरण आप लोगों का क्लियर हुआ। चलिए हम लोग आगे आते हैं। कल हम आपको विकिरण पढ़ा रहे थे, विकिरण अब यहाँ पर जाकर के समाप्त होता है। समझ गए आप लोग विकिरण? विकिरण के बाद हम आपको बताए थे चालन, बताए थे संवहन, बताए थे अभिवहन, बताए थे। ओके, तो विकिरण तो आप लोग यहाँ पर आकर के समझे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको क्या क्या बताए थे? नंबर एक, हम पढ़ा रहे थे आपको कि एनर्जी है वो किस रूप में स्थानांतरित हो सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किस किस रूप में ट्रांसफर हो सकती है। तो ट्रांसफर होने के लिए हम आपको बताए थे एक जो प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं विकिरण। और विकिरण क्या है ये अब कंप्लीट हुआ जा करके। विकिरण के अलावा हम आपको बताए थे एक चालन जिसको बोलते हैं कंडक्शन, एक हम आपको बताए थे चालन जिसको बोलते हैं कंडक्शन। हमने बताया था इसमें एनर्जी है वो संपर्क विधि के द्वारा ट्रांसफर होती है। और इसके अलावा एक हम आपको बताए थे संवहन, तीसरी जो आपको देखने को मिलेगी प्रक्रिया जिसके माध्यम से ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो स्थानांतरित होती है, जिसे बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? संवहन। और चौथा जो आपको बताए थे वो बताए थे अभिवहन, अभिवहन। ओके, अब देखिए ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चालन हम आपको बता दिए थे, चलिए यहां पर आपको एक बार लिखा देते हैं, छोटा सा नोट कर लीजिए। देखिए चालन के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है? कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में, लिख लीजिए, कणों के विस्थापन
की अनुपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा, संपर्क विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ओके। हम आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, जो कंडक्शन कुकर होता है वो कंडक्शन के ऊपर रखा जाता है और फिर वो गर्म हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि आप गरम गरम कप को पकड़िए, जब आप कप को संपर्क करते हैं जिससे आपका हाथ गर्म हो जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, वो आपको देखने को मिलेगी चालन, कंडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे एक रॉड है, गर्म रॉड है, एक लोहे का छड़ है जो गर्म है, वो दूसरे छड़ के ऊपर रख दीजिए, जब वो उससे टच होता है, उससे संपर्क करता है, तो दूसरी छड़ भी है वो क्या हो जाती है, गर्म होना प्रारंभ हो जाती है। किस विधि के द्वारा होती है, वो चालन के द्वारा होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आज एक थोड़ा सा तवा है, वो गर्म करिएगा और तवा के ऊपर बैठ जाइएगा। जैसे ही आप तवा के ऊपर बैठेंगे तो आपका उससे संपर्क होगा और आप गर्म हो जाएंगे और ऐसे क्या हो जाएंगे, उछल जाएंगे। तो वो कौन सी विधि के द्वारा हो रहा है, वो चालन विधि के द्वारा हो रहा है। समझ गए आप लोग, चालन विधि के द्वारा वो हो रहा है। तो जैसे ही उठेंगे तो समझ जाइएगा। संवहन कौन सी प्रक्रिया और अभिवहन क्या होती है, इसमें कणों का विस्थापन होता है, मतलब इसमें क्या होगा, कणों का विस्थापन होगा। कणों के विस्थापन के कारण आपको देखने को मिलेगा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। किसके द्वारा, कणों के विस्थापन के द्वारा। लिख लीजिए, इन दोनों में कणों के स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ओके, समझ गए। अब देखिए, संवहन प्रक्रिया कब होगी, तो संवहन प्रक्रिया जब आप लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाते हुए जब वो दूध पानी गर्म हो जाता है और उसके ऊपर से भाप निकलती है और भाप ऊपर जाने लगती है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वो क्या हो रहा है, एनर्जी है, मतलब वो ऊष्मा है, वो कहाँ जा रही है, जल के अंदर से निकल के कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, सीधी सीधी ऊपर जा रही है, यानी कि ये संवहन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, संवहनीय प्रक्रिया बोलेंगे। और इसी से मिलती जुलती आपको देखने को मिलेगी, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए, जब वायु होती है, अगर वायु है वो क्षैतिज दिशा में चलती है, तब हम उसे बोलते हैं पवन बोलते हैं, लेकिन जब वायु ऊर्ध्वाधर चलती है तब हम उसे क्या बोल देते हैं, वायु तरंग बोल देते हैं। देखिए, वायु है अगर ये वायु है वो इसका क्षैतिज प्रभाव हो, अगर वायु का प्रभाव है, अगर ये क्षैतिज हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। पवन क्या है, यानी कि जब वायु है वो क्षैतिज दिशा में ऐसे ऐसे चले, किधर भी क्षैतिज दिशा में चल रही है, क्षैतिज दिशा में चले, तब हम उसे क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। लेकिन जब वायु का प्रभाव है वो अगर ऊर्ध्वाधर हो, मतलब ऊपर हो या फिर ऊपर से नीचे हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे, मतलब वायु का प्रभाव है वो ऊर्ध्वाधर हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, तब हम इसे वायु तरंग बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे, वायु तरंग बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के। देखिए, छोटी सी चीज होती है कैसे क्लियर हो जाती है, और आप 100 जगह पढ़ेंगे तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी मजे मजे में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभिवहन। अभिवहन क्या है, संवहन में जिस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर हो रहा था, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण क्षैतिज होता है। बस इतना सही एक बेसिक डिफरेंस है, ये चीज आप लोगों ने देख ली। चलिए, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि विधि तो समझ ली ऊष्मा के स्थानांतरण, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ज्योग्राफी के तापमान। अब तापमान में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो तापमान है, अगर आप लोग तापमान समझ गए तो समझ लीजिए जलवायु विज्ञान का 30% आपका
जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा जलवायु विज्ञान का, 30% अकेले तापमान कवर कर देगा, क्योंकि तापमान अगर आपका क्लियर हो गया तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो इससे रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे। इसी तरह से वायु दाब से रिलेटेड बहुत सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, और पवन पेटियां हैं वो भी इसी से कवर हो जाएंगी, मतलब मैक्सिमम टॉपिक है वो इसी से आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए हम लोग तापमान से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे, तो इसमें देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो देखिए नंबर एक हम लोग देखेंगे इसमें ऊष्मा बजट, जो कि आज ही हम इसको कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। एक देखेंगे हम लोग ऊष्मा बजट, ओके, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हीट बजट। आज आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों हो रही है आखिर, तो ऊष्मा बजट ये चीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए हम लोग यहां पर देखेंगे सूर्य तप के बारे में, सूर्य तप के बारे में हम देखेंगे, ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेशन। ओके, इसके अलावा हम तीसरा टॉपिक देखेंगे तापमान है, तो तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे, तापमान को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे। करने वाले कारकों के बारे में हम समझेंगे, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो तापमान के वितरण को, तापमान को प्रभावित करते हैं। ओके, और साथ में हम देखेंगे इसका वितरण भी देखेंगे, तापमान का हम लोग वितरण देखेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए तापमान का वितरण हम लोग देखेंगे, एक तो हम क्षैतिज देखेंगे और साथ में ऊर्ध्वाधर भी देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर तापमान का वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। इसी से आप लोग समझ जाएंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, जलवायु विभाजन कैसे होता है, इसके अलावा दिन और रात की अवधि कैसे परिवर्तित होती है, और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। कहीं पर आपको ध्रुवों पर देखने को मिलेगा, वहां पर जो तापमान है वो एकदम शून्य से भी कम रहता है, लेकिन आप देखेंगे विषुवत रेखा होती है, वहां पर तापमान इतना अधिक क्यों पाया जाता है, ये कैसे प्रभावित होता है, पृथ्वी जो पर्वत होती है उसकी चोटी पर तापमान होता है वो इतना कम क्यों पाया जाता है, उसके नीचे आधार पर तापमान अधिक क्यों पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप लोग समझ जाएंगे, जैसे कि आप घाटी समीर कैसे उत्पन्न होती है, जल समीर कैसे उत्पन्न होती है, समुद्री समीर कैसे उत्पन्न होती है, स्थल समीर कैसे उत्पन्न होती है, तापीय विलोमता क्या होती है, ये सब इसी में टॉपिक आ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको हम लोग देखेंगे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। ओके, ये चीज हम लोग देखेंगे इसके वितरण के बारे में। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे पांचवा टॉपिक है तापीय विलोमता। ओके, तापीय विलोमता देखेंगे, जिसको तापीय व्युत्क्रमण के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे छठा टॉपिक ताप ह्रास दर, जिसको थर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ताप ह्रास दर। ओके, जिसको बोलते हैं थर्मल लैप्स रेट। इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, देखते हैं आज कितने टॉपिक कवर हो जाते हैं, और इसमें से जितने टॉपिक बच जाएंगे वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। इसके अलावा ताप के बाद हम तुरंत देखेंगे दाब। ओके, और जैसे ही हम दाब को देख लेंगे हम ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे पवन पेटियां ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। अगर आपने ताप को समझ लिया, दाब को समझ लिया, पवन ऑटोमेटिकली आपके जेब में आ जाएगा। दाब को जैसे समझेंगे तब आप चक्रवात को समझ जाएंगे, यानी कि चक्रवात होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे हम लोग इंटरलिंकिंग करते हुए सभी टॉपिक को आगे पढ़ते चलेंगे। ओके, इतना यहां तक आप लोगों को समझ में आया, नोट कर लीजिए अगर जिन लोगों ने नोट ना किया हो नोट कर लें जल्द से जल्द। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई, एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊष्मा बजट के बारे में। ओके, चलिए आप लोगों को हेडिंग डालना है ऊष्मा बजट के बारे में। ओके, देखिए ऊष्मा बजट जिसको बोलते हैं हीट बजट। ओके,
ओके, आप लोग कह रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है, ऐसे सब कुछ समझ में आएगा, मजा आएगा अभी थोड़ी देर में। चलिए ऊष्मा बजट, इसके अलावा ऊष्मा बजट को इसको ग्लोबल रेडिएशन बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है, ग्लोबल ग्लोबल रेडिएशन रेडिएशन बैलेंस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसको बोलते हैं भूमंडलीय विकिरण संतुलन के नाम से इसको बोलते हैं, भूमंडलीय भूमंडलीय विकिरण संतुलन, विकिरण संतुलन। तो देखिए कई नामों से इसको जाना जाता है, हमने सभी दुनिया भर के जो भी इसके नाम थे, जैसे आपके नाम होते हैं, स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, आप दूसरे शहर में जाते हैं तो नाम चेंज कर लेते हैं, तो नाम बहुत होते हैं ना, लेकिन आप क्या है, चीज तो आप भी ओरिजिनल है। तो इसी तरह से ऊष्मा बजट ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसका अर्थ क्या है, नंबर एक हम लोग देखेंगे इसके अर्थ के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे कि जो ऊष्मा के स्थानांतरण है, मतलब जो ऊष्मा बजट है कैसे पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी पर कैसे जाता है, मतलब हम देखेंगे कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां, स्थानांतरण की विधियां। ओके, ऊष्मा के स्थानांतरण, अब कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो तुरंत बताइएगा, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं रखना है अपने अंदर। ओके, फिर हम लोग लास्ट में आएंगे निष्कर्ष के ऊपर। देखिए आज हम इसके बारे में जो थ्योरीज हैं वो आपके लिए ज्योग्राफी में हम नहीं लिखाया करेंगे, बल्कि उसके जो नोट्स हैं वो आपको शाम को सेंड कर दिया करेंगे, क्लास के बाद तुरंत टाइप कर देंगे, टाइप करने के बाद आपको सेंड कर देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझाएंगे, क्योंकि हमें आपको 160 घंटे की क्लास में ही सब कुछ कवर कराना है, दो टॉपिक थोड़े ज्यादा हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको दे दिया जाएगा, आप उसकी जीरोक्स निकलवा लीजिए जा करके, या फिर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लिया करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगेगा, आप लोग स्वयं के नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग आते हैं हीट बजट के ऊपर, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे सूरज से रोशनी आ रही थी, लेकिन रोशनी वो सॉरी ऊष्मा आ रही थी, ऊष्मा आती है, आती तो है, चलिए ठीक है, लेकिन कैसे जाती है, तो जाने के कई सारे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक इस तरह से डायग्राम बनाइए, ये देखिए मानते हैं ये हमारी क्या है, प्यारी सी पृथ्वी है हमारी, क्या है हमारी, ये अर्थ है। ओके, अर्थ के चारों ओर क्या पाया जाता है, इस तरह से वायुमंडल पाया जाता है। ओके, पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है, और इधर क्या है, ये सूर्य है, इधर क्या है, ये सूर्य है, मतलब क्या है, सन है। अब इस सन से क्या आई, ऊर्जा आई, मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट ऊर्जा आई। अब आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी है वो तो थोड़ी सी ईमानदार है, पूरी 100 की 100 यूनिट तो नहीं लेगी। ओके, 100 की 100 यूनिट नहीं लेने वाली, तो कितनी लेगी, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें से 100 यूनिट में से वो परावर्तित कर देती है, मतलब लौटाल देती है 35 यूनिट, दूसरे कलर से लिखते हैं फिर, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, मतलब वो लौटाल देती है इसमें से 100 यूनिट में से 35 यूनिट, 35 यूनिट क्या है, लौटाल देती है, मतलब परावर्तित कर देती है। ओके, और ये परावर्तित करती है तो किस रूप में परावर्तित करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये 35 यूनिट को वो वैसे ही लौटाल देती है, मतलब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही लौटाल देती है। और कैसे में एनर्जी आई, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही एनर्जी आई। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इस 35 यूनिट में, जो ये 35 यूनिट है ना, 35 यूनिट को किस तरह से लौटालती है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, इस 35 यूनिट को देखिए, वायुमंडल है वो 31 यूनिट को लौटाल देता है, 31 यूनिट को वायुमंडल लौटालता है, वायुमंडल लौटालता है, और इसमें से जो 4 यूनिट है ना वो हमारी पृथ्वी की सतह लौटालती है, क्या लौटालती है, हमारी पृथ्वी की सतह लौटालती है।
पर देखिए ये डेटा है जो आपको देखने को मिलेगा सभी एनसीईआरटी मतलब जो एनसीईआरटी है जो बुक्स हैं उनमें अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं पर 31 होगा, कहीं पर 30 होगा, कहीं पर 32 होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो आरजी सर बता रहे हैं उसे आंख बंद करके मान लेना है। और अगर पेपर में आता है तो एक अंक आगे पीछे पूछेगा और सभी नहीं देगा, जैसे यहाँ पर वायुमंडल के द्वारा परावर्तित शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में अगर पूछेगा तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि 31 भी दे देगा, 30 भी दे देगा, 32 भी दे देगा, ऐसे नहीं पूछने वाला। वो डेटा होगा वो बहुत दूर दूर का, उस तरह से 31 देगा तो 40 देगा, 50 देगा, 65 देगा, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। कभी भी आपको ऐसे पास पास के ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको 31 अगर यूनिट दिखता है आंखों के सामने तो 31 यूनिट ही लगा देना है आपके बंद करके, कोई भी दो राय नहीं है इसमें। ओके, अगर 31 यूनिट ऑप्शन में नहीं है और उसके अलावा आसपास में इसको कोई दिख रहा है, मतलब 30 दिख रहा है आसपास में, सबसे करीब जो है वो 30 है इसके पास में, तो 30 आपको लगा देना है। क्योंकि ये डेटा है हमारी पृथ्वी में, ऐसे कोई रिक्टर स्केल पर या फिर स्केल पर कुछ नहीं माप रहा है ना, इसका एक डेटा है सिर्फ जो अलग अलग भूगोल शास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये 35 यूनिट है भाई, उसका तो परावर्तन कर दिया गया, और आपको देखने को मिलेगा इसमें से जो इसमें से 65 यूनिट है इसका अवशोषण कर लिया जाता है। इसमें से जो ये 100 यूनिट आया, इसमें से जो 65 यूनिट है, 65 यूनिट है इसका क्या कर लिया जाता है, पृथ्वी के द्वारा अब शोषण कर लिया जाता है। ओके, अब देखिए ये पृथ्वी के द्वारा अवशोषण किया जाता है, ये कैसे अवशोषण किया जाता है, और यही क्या है, हीट बजट है आपका, मतलब ऊष्मा बजट यही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस 65 यूनिट को कैसे आगे बांटा जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं इस 65 यूनिट को। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे, फ्लो चार्ट बना लीजिए, 100 यूनिट। ओके, तो इस 100 यूनिट में आपको देखने को मिला, एक तरफ है आपको देखने को मिलेगा 35 यूनिट। ओके, 35 यूनिट का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, एक क्या कर दिया जाता है, 35 यूनिट का परावर्तन कर दिया जाता है किस रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 65 यूनिट है, ये 65 यूनिट में आपको देखने को मिलेगा इसका अब शोषण कर लिया जाता है, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन ये अब शोषण 65 यूनिट का किया जाता है, इसे भी दो भागों में बांट करके देखा जाता है, क्योंकि एक हमारी पृथ्वी की सतह के द्वारा लिया जाता है और एक हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भी अब शोषण करता है इस ऊष्मा का। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा इसमें से 65 यूनिट में से जो 18 यूनिट है ये हमारे वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और इसमें से शेष जो बचा है 47 यूनिट, कितना 47 यूनिट जो बचा है ये किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये हमारी पृथ्वी की सतह के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इस पृथ्वी को जो 47 यूनिट मिला है ये कैसे बाद में हल्के हल्के छोड़ती है, तो इसी को हम लोग नीचे देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, वरना हम आपको यहाँ पर ही समझा देते हैं। आप लोग क्या करिए अपने पेज में वहां पर ही बनाइए, हमको नेक्स्ट पेज करना पड़ रहा है, आप लोग नेक्स्ट पेज मत करिएगा। ओके, आपको जगह है तो आप लोग वहां पर ही बनाइएगा। हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं इस 47 यूनिट को किस तरह से हल्के हल्के पृथ्वी है वो लेने के बाद छोड़ती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो बड़ी ईमानदार है, जितना लेती है फिर बाद में उतना ही दे देती है, जिस कारण हमारी पृथ्वी है वो ना ही ज्यादा गर्म होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। अगर ये सोचिए पृथ्वी है वो सूरज से ऊष्मा लेती रहती लेती रहती लेती रहती, तो एक दिन क्या हो जाती, ब्लास्ट हो जाती। तो वो जानती है कि हमें क्या लालच नहीं करना है, जितनी हमारे पास ऊष्मा आती है हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको लौटा देंगे भाई। अब देखिए 47 यूनिट है जो पृथ्वी की सतह को मिल गया, अब पृथ्वी की सतह है वो हल्के हल्के इसको छोड़ती रहती है, क्या करती रहती है, हल्के हल्के इसको छोड़ती रहती है। तब भी क्या होता है
ये बैलेंस बना रहता है। ओके, क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है। बनना क्या हो जाती है, पृथ्वी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होकर के ब्लास्ट हो जाती है एक दिन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस 47 यूनिट को कैसे। तो ये मान लेते हैं हमारी क्या है, प्यारी पृथ्वी है। ये क्या है, हमारी प्यारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी की सतह है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह है और हमारी पृथ्वी की सतह को कितना यहाँ पर मतलब जो एनर्जी है वो मिली, अभी हम आपको बताए थे 47 यूनिट है वो पृथ्वी की सतह को मिली। ये क्या है, पृथ्वी की सतह है और हमारी पृथ्वी की सतह के पास कितनी एनर्जी है वो आपको देखने को मिलेगी, 47 यूनिट है, 47 यूनिट है। ओके, ये देखिए बहुत लोग कॉल करते हैं, चलो चार्जिंग पर भी लगा देते हैं तुमको। तो देखिए 47 यूनिट है और अभी हम आपको बताए थे जो हमारा वायुमंडल है उसके पास में पहले से कितनी एनर्जी, पहले से उसके पास में है हमारे वायुमंडल के पास में 18 यूनिट पहले से ही है। तो चलिए हम अपना वायुमंडल भी बना लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी की कल्पना बिना वायुमंडल के नहीं कर सकते। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ पर जीवन ही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वायुमंडल भी बना लेते हैं। इस तरह से डॉटेड डॉटेड लाइन में हम क्या बना लिए, वायुमंडल बना लिए। ये क्या है, हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल है। ओके, अब देखिए हमारे वायुमंडल के पास में पहले से ही आपको देखने को मिलेगा 18 यूनिट, 18 यूनिट एनर्जी है, मतलब 18 यूनिट पहले से ही है। अभी हम आपको बताए थे अवशोषित किया 18 यूनिट हमारा वायुमंडल अवशोषित किया, 47 यूनिट हमारी पृथ्वी की सतह अवशोषित की। तो वायुमंडल के पास पहले से 18 यूनिट है। अब हमारी पृथ्वी की सतह है वो जो 47 यूनिट इसके पास में, वो हल्के हल्के अब क्या करेगी, रिलीज करना प्रारंभ करेगी और वो किसको दे देगी, वायुमंडल को दे देगी। कहेगी वायुमंडल ये हमको नहीं चाहिए, तुम रख लो, क्या रख लो, तुम रख लो, तुमको इसकी जरूरत है, ये हमको नहीं चाहिए। अब देखिए इस 47 यूनिट को कैसे खर्च करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस 47 यूनिट में से आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट जो 5 यूनिट है, देखिए ध्यान सुनिए, ये 5 यूनिट है वो डायरेक्ट निकाल देती है पृथ्वी 47 यूनिट में से, डायरेक्ट इस तरह से 5 यूनिट डायरेक्ट निकाल देती है। और ये वायुमंडल के द्वारा 5 यूनिट अवशोषित नहीं किया जाता है, ये डायरेक्ट ब्रह्मांड में चला जाता है। कितना, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, ये डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ब्रह्मांड में चला जाता है। और किस रूप में जाता है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाता है और ये 5 यूनिट वायुमंडल को प्राप्त नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी 5 यूनिट को बोलते हैं रेडिएशन विंडो, यानी कि जो 5 यूनिट है पृथ्वी के पास 47 यूनिट था उसमें से 5 यूनिट है वो डायरेक्ट भेज देता है अंतरिक्ष में और इस वायुमंडल इसको रख नहीं पाता है। तो इसी को बोलते हैं रेडिएशन विंडो, क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन, रेडिएशन विंडो के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसा विंडो जिसके माध्यम से एनर्जी क्या हो गई, चली गई ब्रह्मांड में। वास्तव में देखिए ऐसा कोई विंडो ऐसा चीन देखने को नहीं मिलेगा, ये हर जगह से थोड़ा थोड़ा जाता है, कल्पना कर ली गई है कि 5 यूनिट क्या है वो डायरेक्ट चला जाता है ब्रह्मांड में और जहां से जाता है मतलब जो चीज है इसी को रेडिएशन विंडो के नाम से जानते हैं इस 5 यूनिट के लिए। और देखिए और इसी में से 47 यूनिट में से आपको देखने को मिलेगा 23 यूनिट, कितना देखिए 23 यूनिट, कितना यूनिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 23 यूनिट। ये 23 यूनिट है ये वायुमंडल को प्राप्त होता है, लेकिन वायुमंडल को प्राप्त होता है ये किस माध्यम से जाता है, किस विधि के द्वारा जाता है, तो ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जाता है। हम आपको बताए थे पृथ्वी की सतह होती है, वहां पर जब बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो संवेदनशील ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, गुप्त ऊष्मा के साथ कहाँ चली जाती है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चली जाती है और फिर वहां पर जाकर के उसको बाद में हल्के हल्के रिलीज करती रहती है। यानी कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा आई थी वो उसमें से कुछ हिस्सा होता है वो बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में, किस प्रक्रिया के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, बाष्पीकरण के द्वारा, बाष्पीकरण
की प्रक्रिया के द्वारा, बाष्पीकरण की विधि से या फिर प्रक्रिया से, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। 23 यूनिट किस रूप में गया? बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा चला गया। ओके, अब इसमें से आपको देखने को मिलेगा 15 यूनिट, 15 यूनिट वो भी जाता है, और वो भी कहाँ चला जाता है? हमारे वायुमंडल में चला जाता है। ये 15 यूनिट है, ये जाता है किस रूप में जाता है? ये जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाता है, यानी कि विकिरण के रूप में जाता है 15 यूनिट। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसी को क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और इसमें से शेष बचा जो 4 यूनिट होता है, शेष बचा जो 4 यूनिट होता है वो किस विधि से जाता है? वो चालन से जाता है, चालन से जाता है। ओके, तो जिसको बोलते हैं कंडक्शन। समझ गए? अभी हम आपको चालन क्यों पढ़ाए थे समझ में आ गया होगा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्यों पढ़ाए थे समझ में आ गया होगा। तो ये चीज आपको ध्यान आया, चालन के द्वारा जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है? संपर्क विधि के द्वारा जाता है, यानी कि वायु होती है जहां पर शांत होती है तो वो पृथ्वी की सतह से टच करती है, टच करती है तो वायु क्या हो जाती है? हल्के हल्के गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर के कण है वो गर्म होते 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 वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। यानी कि 4 यूनिट है वो चालन की विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, 15 यूनिट है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन मतलब दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी अपनी ऊष्मा को छोड़ देती है, और इसी तरह से 23 यूनिट है वो बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा छोड़ देती है, 5 यूनिट है वो रेडिएशन विंडो के द्वारा डायरेक्ट ब्रह्मांड में चला जाता है, बाहे ब्रह्मांड में चला जाता है, उसे वायुमंडल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इस रूप में आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडल को टोटल कितना मिला भाई, वायुमंडल को कुल कितनी कितनी एनर्जी मिली? तो देखिए, वायुमंडल को टोटल यहां पर लिख लीजिए, टोटल वायुमंडल को कितनी मिली? तो आपको देखने को मिलेगा कि 60 यूनिट वायुमंडल को प्राप्त ऊष्मा। तो कितनी ऊष्मा प्राप्त हुई? तो देखिए 18 यूनिट ए है, ओके, और साथ में 23 यूनिट ए है, 15 यूनिट ए है, और 4 यूनिट ए है, तो टोटल कितनी हो गई? आपको देखने को मिलेगा 60 यूनिट। यानी कि वायुमंडल को कितनी मिली? 60 यूनिट ऊष्मा इस प्रकार से मिलती है। ओके, समझ गए आप लोग? कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दीजिए। और इसी को बोलते हैं ऊष्मा बजट। इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी है वो क्या रहती है? संतुलित रहती है, ना ही वो ज्यादा गर्म होती है ना ही ज्यादा वो ठंडी होती है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, आपका ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही क्या है? ऊष्मा बजट है। यानी कि बजट का मतलब क्या होता है? आय कितनी है और व्यय कितना है। तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अब यहाँ पर बजट के साथ में एक चीज जुड़ गई, बजट के साथ में एक चीज जुड़ गई, वो क्या है? ऊष्मा। तो यानी कि जितनी ऊष्मा आएगी और उस ऊष्मा को कैसे खर्च किया जाएगा उसी का लेखा जोखा क्या हो गया? ऊष्मा बजट। तो यही क्या है? ऊष्मा बजट है। यही क्या है? पूरा जो आपको ये फिगर दिख रहा है यही क्या है? ऊष्मा बजट है। तो कहीं पर जगह नहीं बची है, यहाँ पर लिख देते हैं, यही क्या है? ऊष्मा बजट है। ओके, यही चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? ऊष्मा बजट देखने को मिलेगी। इतना क्लियर हुआ? ओके, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसको अच्छे से बना लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब देखिए, इसी ऊष्मा बजट को हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, और यहाँ से ही आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों बढ़ती चली जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग के समय ये आखिर तापमान क्यों बढ़ता है, किस कारण तापमान बढ़ता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं तापमान बढ़ने का कारण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसके एनवायरमेंट से, ओके, यानी कि पर्यावरण से इसको कनेक्ट करते हैं, किसको? ऊष्मा बजट को एक बार किससे कनेक्ट करते हैं? पर्यावरण से कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं कैसे यहाँ से टॉपिक निकलता है। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि जो ऊष्मा बजट है
इसी में जब क्या आ जाती है, विसंगति आ जाती है, तो ये कि पर्यावरणीय मुद्दा बन करके सामने उभर के आता है और ये वैश्विक मुद्दा बन के सामने उभर के आता है। तो ऊष्मा विसंगति है, ये कैसे उत्पन्न होती है? ऊष्मा बजट में, ऊष्मा बजट में विसंगति, विसंगति का मतलब क्या है? यानी कि जितनी एनर्जी आ रही होगी अब उतनी एनर्जी नहीं जा पा रही है, यानी कि बीच में क्या हो गया, कुछ घोटाला हो गया। बजट में क्या हो गया? बीच में कुछ घोटाला हो गया। लेकिन ये विसंगति क्यों उत्पन्न हुई? इस विसंगति के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कारण ही है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसका कारण है। ओके, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, मतलब गैस है, वो आपको देखने को मिलेगा, इसका कारण है, इस विसंगति का कारण बनता है। ओके, अब देखिए ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं भाई? ये क्या करती हैं? जो बीच में गड़बड़ घोटाला कर देती हैं, बजट में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है कि जितनी भाई पैसा आया था उतना खर्च नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खत्म हो गया भाई, तो ये कहाँ से हुआ? तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए अपारदर्शी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। आखिर इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ये अपारदर्शी हैं? तो तापमान कैसे बढ़ा? चलिए आपको बताते हैं, आज आपको समझ में आ जाएगा एकदम। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उस कांच की भांति काम करती हैं कि जैसे वो किसी को तो आने तो देती हैं लेकिन किसी को जाने नहीं देती हैं। इसी वजह से क्या आ जाती है? विसंगति उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे क्या है, एक आप लोग मतलब एक बीकर लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए, इस तरह से आप कोई भी चीज ले लीजिए। ओके, छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया। ओके, छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से मानते हैं, एक कांच का मानते हैं आपने घर बना लिया और पूरा कांच से बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ये क्या है? कांच है मान लेते हैं। ओके, अब ये क्या करता है? ऊपर से जब देखिए यहां से शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन को ये प्यार से अपने अंदर बुला लेता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को प्यार से अपने अंदर बुला लेता है। कांच भी इसी तरह से काम करता है। ओके, अब देखिए इसमें आप लोग क्या करिए, इस तरह से पानी भरना चाहते हैं तो पानी भर देंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं भरना चाहते तो भी कोई बात नहीं। तो देखिए शॉर्ट वेव रेडिएशन को अपने अंदर आने दिया, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ये जो आपको लेयर दिख रही है, कांच की लेयर दिख रही है, ये कैसा काम कर रही है? इसके लिए पारदर्शी का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? पारदर्शी का काम करती है। ओके, लेकिन जब यहां से अब क्या होगा, ऊष्मा अब यहां से जाएगी भी तो भाई, लेकिन जब जाने का वक्त होता है ना, तो ये कहता है जाने का नहीं, मतलब आती है तो, लेकिन जाने का नहीं, जाएगी किससे? इसकी मर्जी से जाएगी। अब यहां से जाएगी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जब ऊष्मा जाती है, उसके लिए किस तरह का ये व्यवहार करता है? ये व्यवहार करता है अपारदर्शी की तरह, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए किस तरह का व्यवहार करता है? अपारदर्शी। ओके, देखिए अपारदर्शी की तरह काम करता है, यानी कि इसको ये पार नहीं जाने देता है। अगर सोचिए शॉर्ट वेव रेडिएशन आती रहेगी और लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये जाने नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा? ये इसका तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह से कांच के जो घर होते हैं उनका तापमान आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत, क्योंकि वो ऊष्मा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सूर्य से आती है उसको अपने अंदर आने तो देता है, फिर उसके अंदर से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है भाई, वो कहता है आने का है लेकिन जाने का नहीं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए इससे क्या होता है, वो चीज आपको समझाते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, देखिए इस तरह से आपको ये मैप देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह से मैप कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारी मानते हैं ये क्या है, पृथ्वी है, क्या है हमारी, ये पृथ्वी मान लेते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी पर भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर मानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ऊपर आ रही हैं, मतलब इस तरह से उन्होंने क्या बना दी, अपनी लेयर बना दी, ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो हम ब्लू डॉट से बना रहे हैं, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्या है?
ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये आ गई। ओके अब ये क्या करेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस आए वो आ गई, अब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जब आएगा तो उनके लिए कैसा काम करेंगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए तो भाई ये पारदर्शी का काम करेंगी, शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए कैसा काम करेंगी, पारदर्शी का काम करेंगी। किस तरह का काम की, पारदर्शी का काम की। अब हमारी पृथ्वी क्या होगी, बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को बिल्कुल भी छूती नहीं, कहती तुम जाओ, हमें तुमसे मतलब नहीं है, हमें क्या है तुमसे मतलब नहीं है, हमें तुम्हें तुमसे प्यार नहीं है, तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, जाओ अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी पृथ्वी का तापमान शॉर्ट वेव रेडिएशन की वजह से क्या होता है, थोड़ा बढ़ता है, अब बढ़ेगा, अब शाम का समय होगा तो अब इसे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में विकिरण को बाहर भेजेगी भी। तो भाई अब देखिए, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अब जब इसका परावर्तन करेगी तो ग्रीन हाउस गैसेस रास्ते में रोक लेती है, रास्ते में रोक लेती है, कहती है कि हमें तुमसे मोहब्बत है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को अपने पास ही रोक करके रख लेती है और क्या करती है, उसको पुनः नीचे लौटा देती है, कहती है तो नीचे जाओ, चलो घर के अंदर जाओ, घर से बाहर नहीं जाने का, बाहर बहुत खतरनाक लोग हैं। और लॉन्ग वेव रेडिएशन को क्या कर देती है, ये पुनः इस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस से नीचे लौटा देती है। अब देखिए, जब इसे पुनः नीचे लौटाती है तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण, क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को वापस लौटाने को, लॉन्ग वेव रेडिएशन मतलब विकिरण को ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा जब पुनः पृथ्वी की ओर लौटाल दिया जाता है तो इसी को बोलते हैं प्रतिलोम विकिरण, क्या बोलते हैं, प्रतिलोम विकिरण बोलते हैं। ओके प्रतिलोम विकिरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर रेडिएशन, मतलब रेडिएशन है उसको क्या कर रहा है भाई, काउंटर कर रहा है, तो ये काउंटर रेडिएशन है तो आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं काउंटर रेडिएशन, काउंटर रेडिएशन। अब देखिए, अब जब काउंटर रेडिएशन है इसी कारण ये दोबारा से लौट आएगा, पृथ्वी ठंडी होनी चाहिए थी, रात के समय क्या होनी चाहिए थी, पृथ्वी ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन काउंटर रेडिएशन के कारण तापमान बढ़ता है, किसके कारण, काउंटर रेडिएशन के कारण पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाता है। अब पृथ्वी का तापमान तो पहले भी बढ़ रहा था लेकिन बाद में ठंडा भी तो हो जा रहा था भाई, तो वो तो समस्या नहीं थी, पृथ्वी के तापमान बढ़ना और घटना वो समस्या नहीं थी, समस्या क्या है, प्रतिलोम विकिरण के कारण जो तापमान में वृद्धि हो रही है इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया, यानी कि सूरज से जो किरणें आ रही थी वो पहले की तरह ही आ रही थी, पहले की तरह पृथ्वी गर्म हो रही थी, लेकिन जब पृथ्वी से लॉन्ग वेव रेडिएशन पहले की तरह जा रहा था उसे लौटाल दिया जा रहा है, यानी कि प्रतिलोम विकिरण के कारण, काउंटर रेडिएशन के कारण जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ये हमारे लिए चिंताजनक है, यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन के कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंताजनक नहीं है, चिंताजनक कौन सा है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के कारण जो प्रतिलोम, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो प्रतिलोम विकिरण की समस्या उत्पन्न हो रही है इसी के कारण आपको देखने को मिलेगा समस्या। यही समस्या क्या है, ये आगे लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ये जो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है इसी कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का, सतह का औसत तापमान, औसत तापमान, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। ओके तो इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसी के लिए क्या बोलते हैं, ऊष्मा बजट विसंगति के नाम से जानते हैं, इसी को किस नाम से जानते हैं, ऊष्मा बजट विसंगति, ऊष्मा बजट विसंगति के नाम से जानते हैं। ओके विसंगति क्यों भाई, पहले आ रहा था, जाना भी तो चाहिए था लेकिन अब उतना नहीं जा पा रहा है, उससे कम जा पा रहा है, क्यों कम जा पा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण प्रतिलोम विकिरण काउंटर रेडिएशन की समस्या उत्पन्न हो गई। ओके इतना आप लोगों के लिए समझ में आ गया, आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है भाई। अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो आपको ध्रुवों के पास में ज्यादा क्यों देखने को मिलेगी, ध्रुवों के पास में तापमान ज्यादा बढ़ता है। ओके जो ओजोन क्षरण है वो भी आपको देखने को मिलेगा, ओजोन क्षरण है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है,
ध्रुवों पर हो रहा है, लेकिन ध्रुवों पर कोई रहता ही नहीं है, ज्यादा लोग तो नहीं रहते वहां पर, मैं से इक्के दुक्के लोग रहते हैं घूमने उमने के लिए, लेकिन वहां पर ओजोन क्षरण सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है भाई? वैसे ओजोन क्षरण सबसे ज्यादा कहाँ पर होना चाहिए था? सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण है वो ध्रुवों के पास में होना चाहिए था, जिस जिस जगह लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर भाई ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर CFC और जो भी HCF जो भी गैसेस हैं वो उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण ओजोन का क्षरण होता है, लेकिन भाई ध्रुवों पर ही होता है, ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आज नहीं कल या परसों की क्लास में आपको समझ में आएगा, जब हम आपको पवन पेटियां पढ़ा रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो इतनी चीजें आप लोग समझ में, देखिए सभी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मतलब महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आप लोग जितना समझना चाहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो अब इसके बाद कुछ पेज आपको छोड़ देने हैं या फिर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मत छोड़िए, जो भी अभी तक हम जो भी समझाए हैं और इसी को लिखवाना भी है, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, लगभग 2.5 से 3 पेज हैं वो आपको लिखाए जाएंगे, ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे, सुबह तक आपको सेंड कर दिए जाएंगे, रात में टाइप करेंगे और सुबह आपको सेंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ आपको समझाएंगे, लिखा नहीं सकते, बोलेंगे तो भी समस्या आएगी। ओके, तो कितना टाइम हो गया है अभी? 8 बजे करीब। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सूर्य तप। ऊष्मा बजट हम लोगों ने कवर कर लिया, अब हम लोग आते हैं सूर्य तप के ऊपर कि सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप को समझ लेते हैं इसको। ओके, तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं अपने, सूर्य तप ये आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा सूर्य तप। ओके, इसको बोलते हैं, सूर्य तप को बोलते हैं इंसुलेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। आखिर सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं? देखिए सूर्य तप कि आपको एक बता देते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपको 3 शब्दों से मिलकर बना है, एक इन और दूसरा आपको देखने को मिलेगा सोलार। ओके, और आपको एक देखने को मिलेगा रेडिएशन। ओके, इनका मतलब है इनकमिंग। ओके, इनकमिंग, और देखिए यहाँ पर इसका मतलब है सोलार, मतलब जो सोलर से आने वाली किरणें हैं, मतलब ऊष्मा है, रेडिएशन है, उसकी बात की जा रही है, और इसका मतलब है रेडिएशन। ओके, तो ये 3 शब्दों से मिलकर के बनाई, यानी कि सूर्य तप का मतलब क्या है, सूर्य से आने वाली किरणों से तात्पर्य है, यानी कि सूर्य से कितनी किरणें आती हैं, कितनी ऊष्मा आती है, वही क्या है सूर्य तप है भाई, एक सिंपल डेफिनेशन में, एक छोटी सी डेफिनेशन में, लेकिन वास्तविकता क्या है, हम लोग वास्तविकता के ऊपर, व्यावहारिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि सिद्धांत आपको अलग देखने को मिलेंगे, व्यवहार थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे सूर्य तप का अर्थ देखेंगे। ओके, हम क्या देखेंगे, सूर्य तप का अर्थ देखेंगे, और हम लोग देखेंगे सूर्य तप है इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए इसमें आपको कारक देखने को मिलेंगे, नंबर 1 सौर स्थिरांक आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1, सबसे नंबर 1 पे कौन है, सौर स्थिरांक आपको देखने को मिलेगा। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, सोलार कंस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके अलावा जो सूर्य तप है, सूर्य तप को जो प्रभावित करता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, वो भी प्रभावित करती है, पृथ्वी बा सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य के बीच की जो दूरी है ये भी क्या है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जो आपतन कोण है, आपतन कोण है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वायुमंडल में होने वाली क्रियाएं, वायुमंडल में होने वाली
होने वाली प्रक्रियाएं। ओके, नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग आपको समझाते हैं, और लास्ट में हम तीसरे नंबर पे आपको समझेंगे यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं कि वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है भाई, ये सूर्य तप क्या होता है। ओके ओके, आप लोग जल्दी से नोट करिएगा, नोट कर लें तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वॉइस और सब कुछ क्लियर आता है ना? आप लोग बताइएगा, आपको सब कुछ क्लियर आता है, मतलब वॉइस और सब कुछ हमारी ऐप पर सब कुछ ठीक चल रहा है? यस। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर चल रहा है। कितना टाइम हो गया? अभी बहुत सारा टाइम है। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं। क्लास में टाइम पता नहीं चलता है, पढ़ाते पढ़ाते कि कब 1 घंटा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले सूर्य तप का अर्थ क्या होता है, आखिर सूर्य तप हम किसे बोलेंगे। ओके ओके, तो देखिए, जो भी पृथ्वी के लिए सूर्य से, मतलब जो सूर्य से शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो ऊष्मा पृथ्वी को प्राप्त होती है, यानी कि जो लौट जाती है वो नहीं, जो पृथ्वी को प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। सूर्य तप किसे बोलते हैं? जितनी जितनी ऊष्मा, जितनी ऊर्जा है वो पृथ्वी को जो प्राप्त होती है, रियल में प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। लेकिन पृथ्वी पर हर जगह ये समान नहीं होती है, हर जगह ये अलग अलग मात्रा में मिलती है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले चलिए हम आते हैं सूर्य तप किसे बोलेंगे, तो इसकी परिभाषा को आप लोग देख लीजिए, नंबर एक अर्थ पर। ओके, अर्थ पर हम लोग आते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, ये मानते हैं सूर्य है, ये सूर्य से, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, पर ये उसका क्या है? एटमॉस्फियर है। ओके, क्या है ये? उसका एटमॉस्फियर। तो देखिए, सूर्य से जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, रूप में प्राप्त ऊष्मा को सूर्य तप बोलते हैं, सूर्य तप कहते हैं या बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम लोगों ने अर्थ तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन कारकों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं कारकों के ऊपर। ओके, हम लोग आते हैं कारकों के ऊपर। तो दूसरा आपको डालना है हेडिंग, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले, मतलब वितरण को प्रभावित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो इस कारकों में सबसे पहले हम कौन सा लिखाए थे? सौर स्थिरांक लिखाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सौर स्थिरांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम नंबर ए पर क्या लिखाए थे? सौर स्थिरांक। ओके, तो देखिए सौर स्थिरांक क्या होता है? तो देखिए, सौर स्थिरांक हम उसे बोलते हैं कि जो किसी निश्चित क्षेत्र में, मतलब एक इकाई में प्रति मिनट प्राप्त होने वाली ऊष्मा को सौर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक बोलते हैं। सौर स्थिरांक समानता आपको कितना देखने को मिलेगा? एक कैलोरी से लेकर के आपको 92 कैलोरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, कैलोरी प्रति से आपको देखने को मिलेगा, सेंटी वर्ग सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा, और प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में, एक इकाई क्षेत्रफल में जो जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उस क्षेत्र के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक बोलते हैं। ओके, और ये आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल की जो बाह्य परत होती है वहां का ये आपको डेटा देखने को मिलेगा, जो परत होती है वहां का ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो हमारी वायुमंडल की ऊपर की परत है, वहां पर हमेशा सौर स्थिरांक क्या होगा? ज्यादा ही होगा ना,
क्योंकि आपको पता है हमारा वायुमंडल है वो बहुत सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, बहुत सारी ऊष्मा को अवशोषित कर देता है, बची खुची होती है वो कहाँ पाती है, हमारी पृथ्वी की सतह तक आ पाती है, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो देखिए, लेकिन ये सौर स्थिरांक है, ये सौर स्थिरांक भी प्रभावित होता है। अभी तो हमने देखा कि ये चीज, लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा कि सौर स्थिरांक है भाई, ये भी हमेशा समान नहीं रहता, इस समय के साथ सौर स्थिरांक है ये थोड़ा सा परिवर्तित होता रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सौर स्थिरांक को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, सौर स्थिरांक को कौन कौन सी चीज प्रभावित करती हैं। ओके, कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है, देखिए सौर स्थिरांक वो सूर्य तप को प्रभावित करता है, अब सौर तप को भी कुछ चीजें प्रभावित करती हैं, कौन कौन सी चीजें। नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सूर्य के ऊपर 11 वर्षों से 21 वर्षों के अंतराल पर आपको सन स्पॉट देखने को मिलेंगे जो हीलियम के रूप में जमा हो जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जब वो 11 वर्ष से 21 वर्ष के अंतराल पर जब वो सन स्पॉट आते हैं, इस कारण सन स्पॉट के कारण प्लस माइनस 2 डिग्री आपको, दो सॉरी 2 डिग्री प्लस माइनस 2% आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर है वो कम ज्यादा हो जाता है, मतलब सौर स्थिरांक है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसमें पहला कारण आपको देखने को मिलेगा, पहला कारण हम नेक्स्ट पेज पे लिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाएगा। पहला कारण कौन सा है, पहला कारण आपको देखने को मिलेगा कि 11 वर्षों से 21 वर्षों के बीच में, 21 वर्षों के अंतराल पर आपको सूरज की सतह पर सन स्पॉट देखने को मिलेंगे, सूरज की सतह पर सन स्पॉट चक्र में परिवर्तन होता है, चक्र में परिवर्तन होता है, इस कारण आपको देखने को मिलेगा कि सूरज की सतह पर जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, इस कारण सौर स्थिरांक भी प्लस माइनस 2% परिवर्तित होता है, इस कारण प्लस माइनस 2% सौर स्थिरांक में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो एक नगण्य के समान होता है, इतना कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता है, प्लस माइनस सिर्फ 2%, ज्यादा नहीं होता। ओके, बहुत कम होता है, आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव की अगर हम बात करें, प्रभाव लिख लीजिए, इसका जो प्रभाव होता है सौर स्थिरांक पर वो नगण्य होता है, ऐसे लिख लीजिए, लेकिन लेकिन इसका प्रभाव नगण्य होता है, नगण्य होता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, सन स्पॉट कैसे आते हैं, तो वो डायग्राम बनाना चाहते तो बना लीजिए, वैसे हम इतनी बार आपको बता चुके हैं इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सूरज के अंदर क्या होता है, सूरज के अंदर हम आपको बताए थे एक प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, आपस में फ्यूजन की प्रक्रिया होती है और इसमें ये हीलियम बनता है और प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है। यही हीलियम क्या होता है, धीरे धीरे सन की सतह पर जमा हो जाता है सन स्पॉट के रूप में, सन स्पॉट के रूप में। ओके, तो यही जो सन स्पॉट है ये डार्क स्पॉट में परिवर्तित हो जाता है, डार्क स्पॉट में परिवर्तित हो जाता है, काला काला धब्बा हो जाता है। जब काला काले धब्बे की संख्या बढ़ जाती है सतह के ऊपर तो सौर स्थिरांक वो -2% होता है, और जब ये धब्बे होते हैं ये कम से कम सूरज की सतह पर पाए जाते हैं तो +2% सौर स्थिरांक ज्यादा प्राप्त होता है। बस ये चीज आपको देखने को मिलेगी। सौर स्थिरांक को और भी बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी सौर स्थिरांक को जो प्रभावित करता है, सॉरी सौर स्थिरांक को जो चीज प्रभावित करती है वो यही चीज है कि सूर्य के अंदर और कोई चीज प्रभावित नहीं करती है। तो ये चीज तो हमने देख लिया। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं सूरज और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है वो कैसे सूर्य तप को प्रभावित करती है। चलिए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम लोग देख लिए थे, यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है, वो हमने देख लिया यहाँ पर सौर स्थिरांक।
अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, बी पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, पृथ्वी बा सूर्य के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ओके, ये भी क्या करती है, सूर्य तप को प्रभावित करती है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे प्रभावित करती है। भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें पूरा, इसमें जो चक्र होता है वो समझना पड़ेगा कि कैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हमारी हमारी पृथ्वी है वो किस प्रकार से झुकी हुई है। तो आपको हम बना करके ही दिखाते हैं, वैसे हमारे पास डायग्राम भी पड़ा हुआ है, उसको हम बाद में दिखा देंगे, जिससे हम मैप बना के समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ओके, तो देखिए ये बीच में क्या है, मान लेते हैं सन है, क्या है बीच में, मान लेते हैं ये सन है हमारा, क्या है हमारा सन है। ओके, इस तरह से ये सन है मान लेते हैं। अब सन के चारों ओर क्या है, हमारी पृथ्वी इस तरह से घूम रही है। तो हम लोग चार कंडीशन देखते हैं हमारी पृथ्वी की। तो देखिए पहली कंडीशन मानते हैं हमारी पृथ्वी है वो यहां पर है, दूसरी कंडीशन में मानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है वो यहां पर है। ओके, तीसरी कंडीशन में मानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है वो यहां पर है। ओके, चौथी कंडीशन में मानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है वो यहाँ पर है। मतलब हमने ये चार कंडीशन ले ली, और क्या कर रहे हैं कि ये पृथ्वी इस तरह से चारों तरफ इस तरह से ऐसे घूम रही है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं ये पृथ्वी कैसे ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे सीधी सीधी नहीं है, बल्कि वो क्या है अपनी अक्ष पे थोड़ी सी इस तरह से झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी क्या है एकदम ऐसी नहीं है, बल्कि थोड़ी सी ऐसी क्या है झुकी हुई है। तो चलिए हम लोग बना देते हैं इसका अक्ष। अक्ष क्या है भाई, इसका एक काल्पनिक रेखा है, क्या है एक काल्पनिक रेखा है। तो चलिए हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं। तो देखिए ये ऐसे 23 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर इस तरह से झुकी हुई है। तो सभी को हम इस तरह से झुका देते हैं। ओके, तो देखिए इस तरह से झुका देते हैं, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ये आपको थोड़ी सी इस तरह से देखने को मिलेगी। ओके, तो ये थोड़ी सी इस तरह से हमारी पृथ्वी देखने को मिलेगी जो 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जब वो ऐसे ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पर क्या करती है परिक्रमण करती है, तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो ये वाली जो अवस्था होती है ये दिसंबर के समय होती है। अभी हम इसको दिसंबर क्यों बताएं, क्योंकि अभी हम दिसंबर के पास से ही गुजरे हैं। तो हमारी पृथ्वी कहाँ है, लगभग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कि अब अभी हम जनवरी में एंटर किए हैं, तो लगभग में हमारी पृथ्वी कहाँ पर होगी, लगभग में यहाँ पर होगी। ओके, फिर जो ये वाली अवस्था देखने को मिलेगी, ये अवस्था होती है मार्च की। ओके, ये अवस्था कौन सी होती है, मार्च की अवस्था होती है। ओके, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये कौन सी अवस्था होती है, जून की अवस्था होती है, मतलब जून के समय लगभग पृथ्वी हमारी यहाँ पर होती है, और सितंबर के समय हमारी पृथ्वी कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। ओके, तो ये चीज आपने समझ ली। लेकिन अब देखिए यहाँ पर किस तरह से सूर्य तप प्रभावित हो रहा है। देखिए जब हमारी पृथ्वी दिसंबर के समय होती है, तब हमारी पृथ्वी है उसका सूर्य कहाँ होता है, दक्षिणायन में होता है। हमारा जो सूरज है वो कहाँ पर लंबवत होता है, आपको देखने को मिलेगा दिसंबर के समय, आपको देखने को मिलेगा नीचे एक रेखा होती है मकर रेखा, और ऊपर क्या होती है, कर्क रेखा। तो इस समय मकर रेखा पर लंबवत होता है, मकर, ओ सॉरी मकर गलत लिख दिया है यहाँ पर, मकर रेखा पर इस तरह से देखिए सूरज की किरणें जाती हैं, और ये कहाँ पर जा रही हैं, ये कहाँ पर जा रही हैं, देखिए ये मकर रेखा पर जा रही हैं। ओके, अब देखिए अब जून के समय हमारी पृथ्वी है सूरज है वो कहाँ पर होता है, उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि देखिए हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो इसका सबसे निकटतम पार्ट कौन सा दिख रहा है भाई, ऊपर का दिख रहा है ना, देखिए ऊपर का पार्ट क्या है, पास में है। तो इस समय कौन सी रेखा के पास में होता है, तो आपको देखने को मिलेगा जून के समय यहाँ पर लंबवत होता है कर्क रेखा के पास में, यहाँ पर कर्क रेखा के पास में सूरज की किरणें होती हैं वो लंबवत होती हैं, मतलब एकदम सीधी होती हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं,
और ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी, कर्क रेखा देखने को मिलेगी। तो आपने देखा होगा जून जुलाई के समय आपको देखने को मिलेगा आपकी जो दोपहर में 12 बजे जो परछाई होती है वो एकदम नीचे होती है, आपको अपनी परछाई देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि सूरज आपको एकदम सिर के ऊपर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा, सूरज आपको एकदम अपने सिर के ऊपर देखने को मिलेगा अगर आप लोग दोपहर में देखेंगे सागर के तब, क्योंकि उस समय आपको देखने को मिलेगा सूर्य कहाँ होता है, एक वो लगभग में कर्क रेखा के पास में होता है, लेकिन ठंडी के समय कहाँ होता है, मकर रेखा चला जाता है भैया, दक्षिण में घूमने चला जाता है, तभी तो हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्च और सितंबर के समय पृथ्वी जो सूरज होती है, सूरज की किरणें कहाँ पर लंबवत होती हैं, तो देखिए मार्च के समय और सितंबर के समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। कहाँ पर होती हैं, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा क्या है, बीच में आपको देखने को मिलेगी, ओके, बीच में आपको देखने को मिलेगी जो 0 डिग्री की रेखा है। तो देखिए यहां पर इस तरह से ये लंबवत होती है, इस तरह से ये लंबवत होती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, यानी कि जो सूर्य तप है वो हर समय हर जगह बराबर नहीं मिलता है। अगर दिसंबर के समय हम बात करें तो दिसंबर के समय लगभग में दिसंबर के समय सूर्य तप कहाँ ज्यादा मिलता होगा, आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य तप ज्यादा अभी प्राप्त नहीं होता है। ठंड का मौसम चल रहा है, देखिए आज तक आप क्या पहने हुए, स्वेटर पहने हुए हैं, आप लोगों के लिए भी ठंड का एहसास हो रहा होगा। कुछ लोग देखिए अभी नहीं समझ पा रहे होंगे कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, 0 डिग्री क्या है, एक बार आपको बता देते हैं जिससे आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आ जाए कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ओके, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी है इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, इतना समझ लीजिए, जैसे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कैसी, एक तो हम क्या करते हैं पृथ्वी को ऐसे दो भागों में बांट देते हैं, पृथ्वी को दो भागों में जो बांटती है रेखा उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री बोलते हैं, और इसी 0 डिग्री को क्या नाम दिया गया है, इसी 0 डिग्री को नाम दिया गया है विषुवत रेखा। क्या नाम दिया गया है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ओके। ये कौन सी रेखा है भाई, विषुवत रेखा है, ये आपकी रेखा नहीं है, आप अपनी रेखा जी मत समझ लीजिएगा, ओके। ये क्या है, विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब आप 0 डिग्री से आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ और इधर आपको देखने को मिलेगा साउथ। देखिए जो नॉर्थ पोल है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके लिए ध्रुव बोलते हैं, इसके लिए ध्रुव बोलते हैं, इधर भी क्या है, ये क्या है, ध्रुव, ओके। अब देखिए जब उत्तर में है तो इसको क्या बोल देते हैं, उत्तरी ध्रुव बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव बोल देते हैं, और ये दक्षिण में है तो इसके लिए क्या बोल देते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोल देते हैं। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव कहाँ पर पाया जाता है, 90 डिग्री पर पाया जाता है, यानी कि ये क्या है, कोण है भाई, सिर्फ ये आपको पृथ्वी पर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ये रेखाएं कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं सिर्फ, ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से यहां पर आपको एक रेखा देखने को मिलेगी 23.5 डिग्री की, ओके, ये क्या है, 23.5 डिग्री की रेखा है जो उत्तर दिशा में है। इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी आपको एक देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं 23.5 डिग्री की जो रेखा है ये भी आपको एक देखने को मिलेगी, यानी कि 0 डिग्री की एक उत्तर में है, एक 0 डिग्री के दक्षिण में है। जो उत्तर में है उसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। कर्क रेखा कौन सी है, तो 23.5 डिग्री का जो अक्षांशीय रेखा है उसी अक्षांशीय रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह से दक्षिण में जो दक्षिण की 23.5 डिग्री की रेखा है, मतलब 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, मकर रेखा देखने को मिलेगा, ओके, मकर रेखा देखने को मिलेगा, ओके, देखिए मकर रेखा देखने को मिलेगा। तो देखिए यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखिए जब दिसंबर का समय होता है, अब देखिए इधर क्या है, हमारा सूरज है, ये क्या है, हमारा सूरज है, ये सूरज है, देखिए, ओके। अब देखिए जब ये सूरज है, ये सूरज विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, विषुवत रेखा पर कब लंबवत रहता है, इसकी जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर कब लंबवत रहेगा,
आपको ध्यान है अभी हम आपको बताए थे एक मार्च के समय यहां पर लंबवत होगा और एक कब होगा सितंबर के समय लंबवत होगा। ओके, अब देखिए सूरज है वो क्या करेगा, अब ऊपर भी आएगा भाई नीचे भी आएगा। तो देखिए मार्च से आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ओके तो ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या पड़ेगा जाकर के, यहां पर जून पड़ेगा भाई, क्या पड़ेगा जून पड़ेगा। ओके, अब जून के समय आपको देखने को मिलेगी जो सूरज है वो कुछ यहां पर पहुंच जाता है। एक्चुअली हमारे कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, सूरज के लिए जगह हमने नहीं छोड़ी। सूरज कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है लगभग में, खिसक करके कहां चला जाता है उत्तर में चला जाता है। सूरज कहां चला जाता है, खिसक करके उत्तर में चला जाता है। और ये समय कौन सा होता है, ये आपको देखने को मिलेगा ये जून का समय होता है भाई। ओके, 21 जून के समय कर्क रेखा पर डायरेक्ट लंबवत आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वो यहां पर जाता है और कर्क रेखा पर लंबवत होता है भाई। अब आप सोचेंगे कि कर्क रेखा है वो 23 डिग्री पर ही क्यों मानी गई है, हमने इसको 24 डिग्री पर क्यों नहीं माना, 25 डिग्री पर क्यों नहीं माना, क्योंकि भाई सूरज है वो अधिकतम 30.5 डिग्री तक ही जाता है, उसके बाद सूरज ऊपर नहीं जाता है, इसीलिए हमने कहां पर ली है ये 23 डिग्री, 30.5 डिग्री की रेखा ली है। तो 30.5 डिग्री पर ही कर्क रेखा क्यों है, तो आपको बोलना है क्योंकि इसके बाद सूरज है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता भाई, उसका उत्तरायण नहीं हो पाता, वो मैक्सिमम यहां तक ही पहुंच पाता, इससे आगे नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कर्क रेखा को 23.5 डिग्री ही मानते हैं, बनाम 24-25 भी मानते हैं अगर सूरज थोड़ा और आगे जा पाता, लेकिन सूरज और आगे नहीं जा पाता, इसीलिए हमने कर्क रेखा हमने 23.5 डिग्री पर ही मानी है। एक कब का समय होता है, जून का समय होता है, और फिर जून से यहाँ पर सितंबर पे फिर से आता है, फिर से विषुवत रेखा पर होता है, फिर इधर वो जाता है और जाकर के फिर यहां पर जाता है, और यहां पर दिसंबर के समय, यहां क्या होता है दिसंबर के समय यहां पर लंबवत होता है। ओके, तो अभी दिसंबर का समय गुजरा है, अब क्या हुआ दिसंबर का समय गुजरा है, अब सूरज क्या हो रहा होगा हल्के हल्के विषुवत रेखा की ओर आ रहा होगा, कहां आ रहा होगा विषुवत रेखा की ओर आ रहा होगा, और दिसंबर से जैसे जैसे मार्च आएगा तो वो कहां पर पहुंच जाएगा, मार्च के समय विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाएगा, और फिर मार्च के बाद जैसे जैसे समय बढ़ेगा जून की ओर तो वो कहां पर आ जाएगा भारत के इधर आ जाएगा। भारत कहां पर है आपको पता है, भारत कहां पर है, कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, तो देखिए ये भारत है, भारत में इसीलिए जून के समय गर्मी पड़ती है, समझ गए आप लोग जून के समय क्यों गर्मी पड़ती है, लेकिन एग्जैक्ट समय कब होता है, तो देखिए एग्जैक्ट समय लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए दिसंबर है तो 22 दिसंबर के समय क्वेश्चन पूछा जाएगा मकर रेखा पर सूर्य किस दिन लंबवत होता है, तो आपको ध्यान रखना है मकर रेखा पर सूर्य है वो 22 दिसंबर को लंबवत होता है, कितने दिसंबर को 22 दिसंबर को लंबवत होता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 23 सितंबर को, और साथ में देखने को मिलेगा मार्च में 21 मार्च को, ओके 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूरज है वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ओके, और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा 21 जून, ओके कितनी जून 21 जून को सूरज है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य तप है वो इन दिनों सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, यानी कि 21 दिसंबर वाले दिन सबसे ज्यादा सूर्य तप कहाँ पर प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा सूर्य तप है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, वो मकर रेखा पर प्राप्त होगा, क्योंकि मकर रेखा पर क्या है सूरज की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, कैसी पड़ती हैं एकदम लंबवत पड़ती हैं। इसी तरह से 21 मार्च और 23 सितंबर वाले दिन सबसे ज्यादा सूर्य तप कहां प्राप्त होगा, विषुवत रेखा पर प्राप्त होगा। इसी तरह से 21 जून वाले दिन सबसे ज्यादा सूर्य तप कहां प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा वो कर्क रेखा पर प्राप्त होगा। समझ गए आप लोग, इतनी जो छोटी सी बेसिक चीज थी वो आपको बता दी जिससे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए अब हम लोग इस डायग्राम पर आ गए, तो आप लोग समझ गए कर्क रेखा मकर रेखा विषुवत रेखा जो हम आपको बता रहे थे वो यही चीज है। ओके, तो मार्च सितंबर वही डायग्राम सेम है जो हमने दूसरी तरह से वहां पर बनाया था। देखिए अब इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ एड ऑन यहाँ पर कर लीजिए। देखिए जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो इसी को बोलते हैं शीत आयनांक, शीत क्योंकि इस समय हमारे यहाँ क्या पड़ती है, हमारे यहाँ ठंड होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अभी आप जाइए वहां पर गर्मी होगी, हमारे यहाँ क्या ठंड है,
लेकिन आपको दक्षिणी गोलार्ध में अभी आप जाएंगे तो वहां पर गर्मी का मौसम होगा, ओके। और आप लोग जाइए ऑस्ट्रेलिया जाइए, ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी होगी अभी आपको, एकदम मस्त वाली गर्मी मिलेगी, ओके। तो देखिए ये चीज आपको देखने को मिलेगा, शीत आयांत, इसको क्या बोलेंगे, शीत आयांत बोलेंगे, ओके। और इसको क्या बोलेंगे, इधर जब कर्क रेखा के इधर होता है सूरज, तब तो आपको इसको बोलते हैं ग्रीष्म आयांत, बोलते हैं ग्रीष्म आयांत बोलते हैं, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विषुवत। सितंबर के समय जब सूरज होता है, सूरज वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विनॉक्स, ओके, इक्विनॉक्स बोलते हैं। और देखिए जब मार्च के समय सूरज होता है वो यहाँ पर लंबवत होता है विषुवत रेखा पर, तब आपको देखने को मिलेगा, इसको भी क्या बोलते हैं हिंदी में, तो भाई इसको विषुव भी बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए थोड़ा सा चेंज है, वो आपको देखने को मिलेगा, इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ओके। देखिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आई, तो देखिए किस तरह से सूर्य ताप है वो प्रभावित होगा किस किस जगह पर, जैसे जैसे सूरज है उसका उत्तरायण दक्षिणायन होता है, उसी के हिसाब से सूर्य ताप भी हल्के हल्के परिवर्तित होता रहता है, ओके। इसके अलावा आपको एक अवस्था देखने को मिलेगी इसी में, जो है वो देखने को मिलेगी उपसौर और अपसौर की अवस्था देखने को मिलेगी, मतलब हमारे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाने के कारण एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी है वो सूरज के सबसे निकटतम बिंदु पर होती है, और एक समय ऐसा होता है जब वो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसी के लिए बोलते हैं अपसौर और उपसौर बोलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कब अपसौर की स्थिति होती है, कब उपसौर की स्थिति होती है। तो देखिए जून के बाद आप इधर आएंगे जुलाई में, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पर ये वाला कलर ले लेते हैं, ओके। तो देखिए लगभग में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जुलाई का समय, ओके। तो देखिए जुलाई का समय होता है, जो जुलाई का समय होता है, कितनी जुलाई का समय, 4 जुलाई वाले दिन सूरज होता है वो सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, ओके। 4 जुलाई वाले दिन सबसे ज्यादा दूरी पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो इस दिन को क्या बोलते हैं, इस दिन को बोलते हैं अपसौर, अपसौर बोलते हैं, ओके। तो इस दिन क्या होती है, दूरी सबसे ज्यादा होती है अपसौर में। हम आपको देखिए एक सिंबल बना देते हैं ऊपर, ऊपर का मतलब है क्या है? यहां पर पृथ्वी है वो सबसे ज्यादा दूरी पर है, ओके। इसी तरह से पृथ्वी है एक दिन वो सबसे निकटतम बिंदु पर होती है सूरज से, उसको क्या बोलते हैं, सबसे कम दूरी पर होती है, उसको बोलते हैं अपसौर, क्या बोलते हैं, अपसौर, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये समय कब होता है, ये समय होता है 3 जनवरी का, यानी कि 3 जनवरी वाले दिन आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी है वो सूरज से सबसे निकटतम बिंदु पर होती है, और 3 जनवरी वाले दिन को ही क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। इस दिन पृथ्वी को सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त होता है पूरे वर्ष की तुलना में, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सूर्य तप किस दिन प्राप्त होता है पृथ्वी को, तो वो 3 जनवरी वाले दिन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी है वो सूरज से सबसे पास में होती है, ओके, सबसे पास में। तो देखिए हम इसमें नीचे एरो बना देते हैं, इसका मतलब है सबसे पास में, देखिए कितनी पास में होती है, 1 किलोमीटर आपको नहीं ध्यान रखना है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इस समय लगभग में जगह नहीं है वैसे, आगे भी लिखवा देंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा। और जिस जिस दिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, उस दिन कितनी दूरी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग में 15.2 करोड़ किलोमीटर, इस दिन सबसे ज्यादा दूर होती है। अब आपसे पूछा जाए सबसे कम पृथ्वी को वर्ष में किस दिन
सबसे कम सूर्य तब प्राप्त होगा पृथ्वी को, तो वो कौन सा दिन होगा आपको देखने को मिलेगा, 4 जुलाई वाले दिन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी का तापमान किस दिन सबसे ज्यादा रहेगा, क्या आप लोग बता सकते हैं पृथ्वी का तापमान है वो किस महीने में सबसे ज्यादा रहेगा, क्या आप लोग बता सकते हैं किस महीने में, जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा रहेगा या फिर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में रहेगा, पृथ्वी का तापमान किस दिन सबसे ज्यादा रहेगा जल्दी से बताइए, तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, यहाँ पर जो सिप्रा मैम है उन्होंने बताया है जुलाई के महीने में, जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा क्यों होगा, एक्चुअली जुलाई का महीना जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ तो सबसे दूर है ना, यहाँ पर सूर्य तप सबसे कम प्राप्त हो रहा है, सूर्य तप है वो सब वर्ष में सबसे कम प्राप्त होता है पृथ्वी को भाई, सबसे कम प्राप्त होता है, और इधर आपको देखने को मिलेगा कि जो सूर्य तप है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है पृथ्वी को, क्या है सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पृथ्वी के जो तापमान है जैसे यहाँ पर सिमरा मैम बोली हैं कि जुलाई में एकदम आपका क्वेश्चन का आंसर है वो सही है, पृथ्वी के तापमान की अगर हम बात करें तो वो जुलाई महीने में ही सबसे अधिक रहता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आपको जब विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा के सॉरी हाँ विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे तो विशिष्ट ऊष्मा पढ़ाते समय आपको समझ में आएगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा जल है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है और बहुत सारे कारण है, लेकिन आपको वही देखने को मिलेगा जो स्थल होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और उनकी विशिष्ट ऊष्मा भी आपको जल की तुलना में अलग देखने को मिलेगी, जिस कारण पृथ्वी है क्योंकि जनवरी के समय सूरज होता है वो दक्षिण में होता है और दक्षिण में ज्यादा समुद्र पाया जाता है, आज आप लोग मैप जाकर के देखिएगा तो दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में आपको जल ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जल है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, वो स्थल की अपेक्षा जल्दी गर्म नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है जो चीज आपको देखने को मिली, क्योंकि अब जुलाई के समय सूरज किधर होता है, सूरज होता है उत्तर में होता है जुलाई के समय, और उधर स्थल ज्यादा पाए जाते हैं और स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिस कारण तापमान है वो ज्यादा कब किस महीने में पृथ्वी का सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जुलाई महीने में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ना कि, लेकिन पूछा जाए सूर्य तब किस महीने में सबसे ज्यादा प्राप्त होगा तब ध्यान रखिएगा, तब आप लोग गलत मत करिएगा, अगर सूर्य तब सबसे ज्यादा पूछेगा तब डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा भाई, 3 जनवरी ही होगा, आंखें बंद करके लगा दीजिए चाहे कुछ भी बंद करके लगा दीजिए, लेकिन अगर तापमान की बात की जाएगी तब वो कब आ जाएगा भाई, जुलाई महीने में आ जाएगा। चलिए ये चीजें आप लोगों की क्लियर हुई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये चीज आपको दिखा देते हैं। ओके, तो देखिए एक बार आपको दिखा देते हैं, वैसे होगा कहीं पर पड़ा हुआ, 1 सेकंड आप लोग रुकिएगा। एक सेकंड बस आप लोग रुकिएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, जो चीज समझा रहे थे वो यहाँ पर देखिए, हमारी पृथ्वी है वो किस तरह से सूर्य का चक्कर लगाती है, वो इस पथ पर लगाती है भाई,
जो आपको एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये रियल डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है। जो अभी हम आपको बनाए थे वो कुछ इस तरह से ही बनाए थे ना, जो चीज आपको देखने को मिलेगी, जो देखे इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन रियल में जब आप देखेंगे तब हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी कि इस तरह से वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसी को बोलते हैं, यही पथ है, यही जो पथ है इसी को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ है। अब देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 जनवरी वाला समय है, तो इस समय आप देखिए कि सूरज और पृथ्वी की दूरी है वो क्या है, सबसे कम है। क्या है? सबसे कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए इसी कारण यहां पर जो सूर्य तप है, सूर्य तप है वो आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। लेकिन कितने परसेंट ज्यादा प्राप्त होगा? देखिए इस अवस्था में आपको सूर्य, जो सूर्य तप है वो +6% ज्यादा प्राप्त होता है। कितना? +6% ज्यादा प्राप्त होता है। और यहां पर दूरी अधिक है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सूर्य तप है वो बर्फ की तुलना में सबसे कम प्राप्त होता है पृथ्वी को। लेकिन कितना कम प्राप्त होता है? तब आपको देखने को मिलेगा -6%। कितना कम प्राप्त होता है? तो -6% प्राप्त कम होता है। तो ये चीज आप लोगों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हम यहाँ पर बता दिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए जिससे आप लोग ये सारी चीजें समझ जाए। ओके, फिर देखिए अभी 48 मतलब 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट में आपको एक चीज और समझा देते हैं। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इस तरह से देखिए डायग्राम होता है रियल डायग्राम, क्योंकि हम लोग इस तरह से रियल डायग्राम नहीं बना पाते हैं, हाथ से की इतनी ज्यादा सफाई नहीं आती है, जैसे तैसे वो बना देते हैं वो आपको समझाने के लिए। लेकिन रियल किस तरह का देखने को मिलेगा? इस तरह का देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग देखते हैं कि सूर्य तप है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा? पहला पॉइंट हमने देखा कि जो हम आपको बताए थे कि कैसे सौर स्थिरांक है जिस कारण सूर्य तप प्रभावित होता है। दूसरा हम आपको जो बताए थे, दूसरा बताए थे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, कौन से? सी पॉइंट पर हम लोग आते हैं। सी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वायुमंडल में होने वाली प्रक्रियाएं, जो क्या करती हैं? सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। ओके, चलिए हम इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है वायुमंडल के अंदर, क्योंकि हमारी ये पृथ्वी है, और इसके बाहर क्या पाया जाता है भाई? वायुमंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके बाहर? क्या पाया जाता है? वायुमंडल चारों तरफ पाया जाता है। अब सूरज है वो क्या करता है? इधर से मानते हैं सूर्य उदय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है। तो सुबह सुबह सूर्य यहाँ पर होगा, फिर थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा सूरज फिर से थोड़ा सा ऊपर आता है, इस तरह से आपको दिखता है ना कि सूरज फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर 12 बजे तक लगभग में सूरज कहाँ पहुंच जाता है? एकदम ऊपर टाइप पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे ऐसे नीचे आना प्रारंभ करता है, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है? वो फिर से नीचे आना प्रारंभ इस तरह से करता रहता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है? सूर्य अस्त हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है? ये सूर्य उदय होता है। ओके, सूर्य उदय आपको देखने को मिलेगा। देखिए जब सूर्य उदय होता है तब आप देखेंगे कि मानते हैं ये वाला बिंदु मान लेते हैं। ओके, अब देखिए यहां से आप लोग देखेंगे तो सूरज की किरणें आती हैं तो वो इस तरह से तिरछी होकर के आती हैं। ओके, यानी कि तिरछी होकर के आ रही हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि उन्हें वायुमंडल है उसमें ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? देखिए ये मानते हैं ये वायुमंडल है, देखिए इस तरह से हम खींचे, ये मानते हैं वायुमंडल है। अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु में जो जो यहाँ पर किरण आ रही है उसको ज्यादा देर तक वायुमंडल के अंदर ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। इसी तरह से आप देखेंगे कि इस बिंदु पे होगा तो थोड़ा सा कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। जैसे जैसे किरण है वो सीधी होती चली जाती है, आप देखेंगे उसे वायुमंडल के अंदर कम ट्रेवल करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से, और फिर से
सूर्य या अस्त होगा तो फिर से किरण क्या होने लगती है, इस तरह से तिरछी होने लगती है, फिर उसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है इस वायुमंडल के अंदर। अब देखिए जैसे जैसे सूरज की किरण है वो अगर वायुमंडल के अंदर ज्यादा ट्रेवल करेगी, ज्यादा चलेगी, तब उसका परावर्तन ज्यादा होता है। क्या होता है इसके कारण? परावर्तन ज्यादा होता है। लिख लीजिए, अगर किरण तिरछी होगी, ओके, लिख लीजिए, किरण अगर तिरछी होगी, तिरछी होगी, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? तिरछी होने पर जितनी ज्यादा तिरछी होगी उतना ज्यादा क्या होगा इसमें? परावर्तन होगा। स्कैटरिंग की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा होगी। प्रक्रिया क्या है? ज्यादा होगी। आप लोगों ने कभी सुना होगा बिबग्योर के बारे में। क्या देखो, सुना होगा बिबग्योर के बारे में? सुना होगा, BIBGYOR, ओके, बिबग्योर, ओके। देखिए बिबग्योर का मतलब क्या है? एक कलर को दर्शाता है, ओके, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और ये आपको ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे जैसे हम इधर से इधर के लिए जाएंगे ना, आपको देखने को मिलेगा इन इनमें आपको देखने को मिलेगा कि परावर्तन का दर है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि सबसे कम परावर्तन किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। सबसे कम परावर्तन किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। और फिर उससे कम किसका होगा? ऑरेंज का होगा, ओके। तो देखिए आप देखेंगे जब एकदम भोर में आप उठिए, या फिर शाम को आप देखिए, एकदम शाम को जब सूरज डूबने वाला होता है बिल्कुल, तब आपको कैसा रंग दिखेगा? सूरज लाल लाल दिखेगा। कैसा दिखेगा सूरज? लाल लाल दिखेगा, क्योंकि सूरज के अंदर जो किरण आ रही है उसमें ये सभी कलर पाए जाते हैं। तो इनमें से जो आगे के जितने भी कलर हैं उनका परावर्तन कर दिया जाता है। किसका परावर्तन नहीं हो पाता है? रेड का परावर्तन नहीं हो पाता है। तो देखिए एकदम लास्ट में देखेंगे तो जब किरण इस तरह से एकदम तिरछी होगी तो इस समय सूरज कैसा दिखेगा? रेड रेड दिखेगा इस समय, सूर्यास्त के समय। लेकिन सूर्यास्त से थोड़ा सा पहले आप देखेंगे, तब आपको जब यहां पर कुछ होगा तो आपको रेड और थोड़ा ऑरेंज कलर फ्लेवर एक साथ में आपको देखने को मिलेगा, ओके, रेड और ऑरेंज देखने को मिलेगा इस तरह से, ओके। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जो रेड है और ऑरेंज है उन दोनों का परावर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो क्या है भाई, वो आप जैसे जैसे इधर जा रहे हैं उनकी परावर्तन जो है, उस स्कैटरिंग की जो व्यवस्था है वो कम होती चली जाती है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से सुबह सुबह आप उठेंगे, आप सुबह सुबह उठेंगे तब आपको सूरज कैसा देखने को मिलेगा? एकदम सुबह सुबह जब एकदम नया नया सूरज निकलता है, एकदम नीचे होता है, तब आप देखेंगे रेड रेड होगा। फिर कलर आप देखेंगे रेड के बाद धीरे धीरे रेड से ऑरेंज होता चला जाता है। कैसा होते चला जाता है? ऑरेंज होता चला जाता है। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर ऑरेंज के साथ में आपको येल्लो देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा येल्लो कलर आ जाता है, पीला पीला हल्का कलर आ जाएगा। फिर आप देखेंगे फिर ग्रीन ग्रीन हल्का फुल्का हो जाता है, फिर सब कलर आ जाता है, फिर हल्के हल्के आप देखेंगे सब कलर दिखने लगेंगे उसके अंदर। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जिस कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य ताप कब प्राप्त होगा, तो सूर्य ताप सबसे ज्यादा कब प्राप्त होगा? यहाँ पर प्राप्त होगा, पृथ्वी की सतह को सूर्य ताप सबसे ज्यादा कब प्राप्त होगा? इस अवस्था में प्राप्त होगा। और सबसे कम सूर्य ताप कहाँ प्राप्त होगा? सूर्य सूर्य उदय के समय सबसे कम प्राप्त होगा, और इसी तरह सूर्यास्त के समय भी सबसे कम प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन कर दिया जाता है हमारे वायुमंडल के द्वारा, तो ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। तो आप देखेंगे सुबह के समय और शाम के समय आप देखेंगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम पाया जाता है, दोपहर की अपेक्षा आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये चीज आपने देखी। अब देखिए यहाँ पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, अभी हम आपको बताए थे किरण, कि आखिर किरण किरण है ये किस तरह से सूर्य तप को प्रभावित करती है, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। ये मानते हैं ये पृथ्वी की सतह है, ओके। अब ये देखिए मानते हैं ये सूरज की किरण आ रही है, ये क्या है? सूरज की किरण आ रही है, तो सूरज की किरण और भी बना देते हैं इस तरह से डॉट 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 लाइन में, कभी क्या होगा सूरज इस तरह से आएगा, इस तरह से सूरज बना देते हैं मानते हैं, ओके। तो ये क्या है? सूरज हल्के हल्के उदय होगा तो ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऊपर जाएगा, या फिर सूर्यास्त होगा तो हल्के हल्के क्या आएगा? नीचे आएगा। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है? सौर किरण है। ये क्या है? सौर किरण है। ये क्या है? सौर किरण है। अब देखिए सौर किरण और ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी की
पृथ्वी की सतह आपको देखने को मिलेगी, पृथ्वी की सतह, यानी कि सौर किरण और पृथ्वी के बीच में जो कोण बनता है, सौर किरण और पृथ्वी के बीच में जो भी कोण बनता है, इसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे जैसे आपतन कोण है वो कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे आपतन कोण कम होता चला जाएगा, यानी कि जो किरण है वो क्या हो रही है? ज्यादा तिरछी हो रही है। ज्यादा तिरछी होगी तो परावर्तन का जो दर होता है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, तो लिख लीजिए यहां पर, आपतन कोण किससे कहते हैं? तो आपतन कोण पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह सतह एवं सौर किरण, सौर किरण के बीच, सौर किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ओके, अब देखिए, अगर इनके बीच में जो कोण है अगर एक कम हो तब क्या होगा? अगर एक कोण है अगर एक कम होगा तो क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं, इससे सौर किरण है उसके तिरछेपन में वृद्धि होगी, सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होगी, सौर किरण के तिरछेपन में, तिरछेपन में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब जैसे जैसे सौर किरण के तिरछेपन में वृद्धि होगी, आपको पता है वायुमंडल के द्वारा सौर किरण का परावर्तन ज्यादा मात्रा में किया जाने लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं। जैसे जैसे तिरछापन बढ़ेगा, सॉरी तिरछापन है वो क्या हो रहा है? तिरछापन बढ़ रहा है मतलब, तो आपको देखने को मिलेगा कि वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, सौर विकिरण, सौर विकिरण का अवशोषण, अवशोषण एवं परावर्तन, परावर्तन अधिक होगा या फिर परावर्तन में वृद्धि होगी, इस प्रकार से लिख लीजिए, में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। यानी कि जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा सौर किरण है उसके तिरछेपन में वृद्धि होगी, जैसे जैसे जितनी ज्यादा तिरछी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो जो सौर किरण आ रही है उसका अवशोषण वायुमंडल के द्वारा कर लिया जाएगा और उतनी अधिक मात्रा में उसका क्या किया जाएगा? परावर्तन किया जाएगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, जिस कारण क्या होगा, पृथ्वी की सतह को, जिस कारण क्या होगा, पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी की सतह को, सतह को प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्र में, क्षेत्र में प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी, सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। ओके, ये क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा ये कमी है वो बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जिस कारण यहाँ पर सूर्य ताप है भाई वो कम प्राप्त होता है, जैसे जैसे तो सुबह के समय सूर्य ताप है उस स्थान पर कम प्राप्त होगा जहां पर सुबह सुबह के लिए। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा शाम के समय सूर्य ताप है वो पृथ्वी की सतह को कम प्राप्त होगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो सूर्य ताप को ये चीज भी प्रभावित करती है। तो चलिए, टाइम हो गया है 9:01 हो गया है, वरना हम लोग इस लेक्चर को और आगे ले जाते। ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, ये पीडीएफ आप लोग देख लीजिएगा, और इससे जो भी आज हमने पढ़ाया है तो वो आपको नोट भी कराना है, तो वो आपको नोट भी करा दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। कल हम इसके बाद का जो लेक्चर बचा हुआ है वो अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर अगर
यहाँ तक जो आपको पढ़ाया, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग बता दीजिए, वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, अदरवाइज हम लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, ओके। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, वरना लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ओके। नो डाउट, ओके। चलिए ठीक है, फिर लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। और देखिए, जो YouTube पर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के इस बैच में परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं, ओके।